अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फिजान तनवीर है। वेलकम करता हूँ एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अपने किसी भी सब्जेक्ट के कैसे याद करना है और कैसे आप लोग उसको पेपर में अटेम्प्ट कर आओगे। ये वीडियो कंप्लीट कोर्स होने वाली है। आज के बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से उनको याद करने के और उनको अटेम्प्ट करने के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं पेश आने वाली। आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। आपके ये 5 से 10 मिनट आपके 9th, 10th, 1st ईयर, 2nd ईयर और आगे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको उनको लिखने के अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर ब्रेक डाउन करने लगा हूं बहुत ज़्यादा ऐसी स्ट्रेटेजीज जो कि आपको हेल्प करेंगी किसी भी टॉपिक के, किसी भी सब्जेक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, उर्दू, पाक स्टडीज, इस्लामियात, इंग्लिश वगैरह, यहाँ के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े डिफरेंट तरीके से आपने याद करने होते हैं। और अगर मैं साइंसिस के सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो वगैरह, तो इनके अंदर जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना और अटैम्प्ट करना होता है, इसकी थोड़ी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो मैं आपको दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी और साइंसिस के सब्जेक्ट्स के हवाले से अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने और अटैम्प्ट करने का तरीका इस वीडियो के अंदर, इस छोटे से कोर्स के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप लोगों ने अपने माइंड में एक बात हमेशा से रखनी है कि कभी भी आप लोग 7 से 8 पेजेस के लॉन्ग को 100% वर्ड टू वर्ड याद नहीं रख सकते। अब ये बच्चों के माइंड में एक मिथ बना दी गई है कि आप लोगों ने हर चीज़ को वर्ड टू वर्ड याद करना है और उसको लिख कर आना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब मैं जो अपनी स्ट्रेटेजी बच्चों को भी बताता हूँ और जो मैंने खुद भी फॉलो की 9th, 10th, 1st ईयर, 2nd ईयर के अंदर, वो ये थी कि जो भी आपकी कोई भी अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों की डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, जो आपकी डेफिनेशंस होंगी किसी भी टॉपिक की, अब ये हमारे साइंसेस के सब्जेक्ट्स और कंपलसरी सब्जेक्ट्स, इन दोनों के अंदर की बात है कि जो डेफिनेशंस होती हैं वो हमेशा आपने वर्ड टू वर्ड लिखनी होती हैं, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड आप लोगों ने जो अपनी डेफिनेशंस होती हैं वो लिखनी होती हैं। यानी कि इसके अंदर आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, कोई भी अपने से क्रिएटिव राइटिंग नहीं करनी है। उसकी वजह ये है कि जो डेफिनेशंस होती हैं वो बुक के अंदर से एग्जामिनर्स चेक करते होते हैं। तो अगर आप लोगों को बेशक डेफिनेशन की अच्छी समझ आई हुई है, आपको कॉन्सेप्ट आता है और आप खुद से लिख सकते हो, लेकिन तब भी आपने कोशिश करनी है कि जो डेफिनेशंस होंगी वो आप खुद से कभी मत लिखिएगा, ठीक है। उसकी वजह से आप लोगों के जो नंबर हैं वो कम हो सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने जो वहाँ पर पेपर चेक कर रहा होगा उसने डेफिनेशन जो है वो बुक के अकॉर्डिंग चेक करनी होती है, ठीक है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप लोग क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकते, खुद से लॉन्ग क्वेश्चन को या कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकते। अब डेफिनेशन के बाद का जो सारा सिनेरियो होता है, जिसके अंदर आपकी एग्जांपल्स शामिल होती हैं, जिसके अंदर आपकी एक्सप्लेनेशन शामिल होती है, वो सारी चीजें अब यहां पर आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हो। जो चीज आपने सीखी है, जो चीज आपने पढ़ी है चैप्टर के दौरान या उस टॉपिक के दौरान, अब उसको आप क्रिएटिव राइटिंग के जरिए कर सकते हो। लेकिन उसको करने का तरीका यह है, जब हम याद कर रहे होते हैं अपने किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को, तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले उसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, हर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई ऐसे कीवर्ड्स छुपे हुए होते हैं जो कि आप लोगों को अगर एक बार मिल जाते हैं और आप उन कीवर्ड्स को अपने माइंड में रख लेते हो, तो आप लोग उसके हवाले से कोई भी चीज लिख सकते हो। मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। अगर हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं जो कि 9th क्लास का काफी मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास है, जो कंपाउंड एंड मिक्सचर का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों ने कभी ना कभी इसको दिया होगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर आपको एक आइडिया देने के लिए इसका एक हवाला ले रहा हूं, ठीक है। अब कंपाउंड एंड मिक्सचर का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, अब आपने जब इसका लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स आप लोग अगर याद रख लेते हो, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें आपके पास पॉइंट्स में वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग कोई भी कीवर्ड दिमाग में रखते हैं, पहला कीवर्ड मैं लेता हूं कंपोनेंट्स, ठीक है, यानी कि अगर आपको ये कीवर्ड याद आ जाता है, आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद है लेकिन आपको कंपोनेंट का कीवर्ड याद है, कंपोनेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर कौन कौन से चीजें शामिल हैं, तो आप लोग 2 से 3 लाइंस इस कंपोनेंट वाले कीवर्ड के हवाले से आगे मजीद उसके अंदर लिख सकते हो, उससे आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ भी बढ़ेगी। दूसरा, अगर मैं कीवर्ड की बात करूं तो इसमें एक आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको कीवर्ड आता है और ये काफी ज्यादा अलग अलग क्वेश्चन के अंदर भी मौजूद है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप इसके हवाले से, आपको कीवर्ड पता है, आप इसके हवाले से काफी ज्यादा लाइंस लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब ये है कीवर्ड्स का कि आप लोगों ने हर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ये तो मैंने एक 9th क्लास के हवाले से एग्जांपल दिया है,
टेंथ क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हवाले से जब भी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो उसमें आपने ढूंढना है, जब भी आप याद कर रहे हो कि यार इसमें कौन सा एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसके हवाले से ये पूरा पैराग्राफ दिया गया, आप उस कीवर्ड को याद रखो बजाय कि उस पूरे पैराग्राफ को याद रखने के। कीवर्ड्स क्योंकि छोटे होते हैं आप उनको आसानी से याद कर सकते हो। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक, एक छोटा सा टेक्निक भी बता देता हूँ। अब हमेशा ये नहीं होगा कि आप लोग जब लिखोगे, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ रहे हो ठीक है, पढ़ते पढ़ते आपको कीवर्ड नजर आया तो आपने कहा अच्छा यार इसका ये कीवर्ड बस माइंड में रख लिया, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने ठीक है। हमारे माइंड में दिन में 20,000 से ज्यादा ख्यालात आते हैं ठीक है, तो आप उन कीवर्ड्स को बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एक दो दिन बाद रात के खाने की तरह भूल जाओगे। तो इसका आसान हल क्या है कि आप क्या करो, अगर आपके पास ये टेक्स्ट बुक है इस पे आप लोग जहां पर आपके टॉपिक लिखा हुआ है, आप लोगों ने क्या करना है, आपको स्टिकी नोट्स मिलते हैं बाहर से ठीक है, अलग अलग कलर्स के भी होते हैं, सेम कलर्स के भी होते हैं, या तो आप स्टिकी नोट्स लेकर उसको यहां पर पेस्ट कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो यहां पर कोई भी पेज, छोटा सा पेज का टुकड़ा यहां पर अपने टॉपिक के ऊपर स्टेपल कर सकते हो ठीक है। आपने उस टॉपिक के जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे वो आपने यहां पर लिख देने हैं ठीक है, ताकि आप जब भी उस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए आओ या याद करने के लिए आओ तो आप लोगों को पहले से पता हो कि इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, ताकि आपको पूरा याद करने की जरूरत ना पड़े। ये जो टेक्निक है ये सबसे ज्यादा हेल्प करती है आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के लिए, जैसे कि पाक स्टडीज हो गया, इस्लामियात हो गया ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जब आप याद कर रहे होते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई प्रॉपर हेडिंग्स नहीं पता होती और आप पूरा पूरा याद भी नहीं कर पाते क्योंकि ये 7-8 पेजेस के लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसके लिए अगर आपको कीवर्ड्स याद होंगे या मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो हेडिंग्स याद होंगी तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। अब मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो हेडिंग्स के हवाले से ही है ठीक है। अब हेडिंग्स में क्या होता है, एक तो हमारे कीवर्ड्स हो गए ना, तीसरी चीज़ होती है हमारी हेडिंग्स ठीक है। अब हेडिंग्स अगर आपको याद होंगी ठीक है, अब हेडिंग्स याद करने से क्या मुराद है, देखो आप लोगों ने अगर आप चाहते हो ना कि आप जब बोर्ड एग्जाम्स के करीब आओ तो आप लोगों को फायदा हो, आप लोगों का टाइम कम लगे, तो आपको अभी कोर्स पढ़ते हुए ही इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको बाद में मिले ठीक है। जब भी कोई फसल उगानी होती है तो बीज पहले डाला जाता है ताकि बाद में उसके आउटकम्स मिले, उसके फायदा मिले। तो अगर अभी आप मेहनत करते हो ठीक है, अभी आप थोड़ा सा टाइम अपनी स्टडी के साथ इन चीज़ों पर लगाते हो तो ये चीज़ें आपको बाद के टाइम जब आपके बोर्ड एग्जाम्स करीब आएंगे तब आपको हेल्प करेंगी। तो अब ये हेडिंग्स हैं हमारे पास ठीक है। अब इन हेडिंग्स को आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, किसी भी साइंस सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है, फिजिक्स का पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री का पढ़ रहे हो ठीक है, बायोलॉजी का कोई टॉपिक है या पार्क स्टडीज का कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो ठीक है, आपको आपके टीचर्स कहें या ना कहें, आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ो आप लोग थोड़ा सा ना दिमाग लगा के सोचो कि यार ये पॉइंट है, इस पॉइंट का एक तो मेन कीवर्ड कौन सा है ठीक है, और ज़्यादातर केसेस में जो मेन कीवर्ड होता है वही उस पॉइंट की हेडिंग भी हो सकता है ठीक है। तो आप लोगों ने एक तो कीवर्ड याद रखना है ठीक है, उसको आप बेशक बुक पे मार्क भी कर सकते हो। दूसरा काम आपने ये करना है, आपको टीचर कहें या ना कहें आपने उसकी हेडिंग लाजमी से बनानी है ठीक है। जो भी जितने भी आपके साइंसेज के लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके अंदर जितनी ज़्यादा आप हेडिंग्स बनाओगे आपका पेपर उतना ही ज़्यादा एक तो अट्रैक्टिव लगेगा, दूसरा एग्जामिनर को करने में आसानी होगी, तीसरा आप उसके गुड बुक्स में आ जाओगे ठीक है। उसको पता होगा कि यार इस बच्चे ने सिर्फ रट्टा नहीं लगाया, इस बच्चे ने चीजों को अच्छी तरीके से समझा है और फिर उसको अटेम्प्ट किया। तो आप लोगों ने साथ साथ अपने बुक्स पे इसी तरह से हेडिंग्स बनानी है और साथ साथ अपने बुक्स पे लिख लेनी है ताकि आप बाद में कभी भूल मत जाना ठीक है। तो हेडिंग्स देने से एक ये भी चीज, और जब आप अपने पेपर के अंदर हेडिंग्स दोगे तो इसके तो बेशुमार फायदे हैं, उसमें से चंद फायदे मैंने आपको पहले ही बता दिए कि एग्जामिनर के आप लोगों को एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके पेपर के एग्जामिनर के ऊपर ठीक है। दूसरा फायदा हेडिंग्स का ये है कि आपको चीजें याद करने में आसानी होगी। हम इस्लामियात की अगर एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं ठीक है, अगर इस्लामियात में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है कुरान के हवाले से ठीक है, जो कि आपका 9th या 10th क्लास के अंदर मौजूद है, अगर आप उस पूरे टॉपिक की, क्योंकि बुक के अंदर तो आपका काफी ज्यादा छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप नोट्स के अंदर से उसकी हेडिंग्स याद कर लेते हो, सिर्फ जो हेडिंग्स हैं उनको अपने माइंड में रख लेते हो, उनको किसी पेज पर उतार कर बुक के साथ पेस्ट कर लेते हो, तो क्या होगा कि आप लोग जब अपने पेपर को लिखने बैठोगे, अटेम्प्ट करने बैठोगे, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ आपने नंबर 1 देखकर उसकी हेडिंग लिख देनी है ठीक है। उस हेडिंग के हवाले से जो भी चीजें होंगी आप उसके 5-6 लाइंस में उसकी अपने से खुद से क्रिएटिविटी कर सकते हो, एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हो ठीक है। इस तरह फिर नंबर 2 पे करोगे ठीक है, उसकी हेडिंग दोगे, आगे ऐसे करते सो फोर्थ एंड सो फोर्थ, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बेहतरीन से 6-7 पेजेस का आराम से आप लोग लिख सकते हो। देखो आपने इसमें 7-8 पेजेस याद नहीं किए, लेकिन आपने एक ऐसा स्मार्ट ट्रिक अपनाई जो कि आपने अभी के लिए थोड़ी सी मेहनत की है, तो आपको एग्जाम्स के अंदर कितना ज्यादा ये चीज फायदा दे रही होगी, और कैसे आप लोगों के एक लंबा लॉन्ग क्वेश्चन एक तो याद भी जल्दी हो जाएगा,
दूसरा कि आप उसको अच्छे तरीके से लिख भी लोगे, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी चीज़, अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन को याद करते वक्त करनी है। इसमें हमने कीवर्ड्स भी पढ़े, ठीक है, कीवर्ड्स आपने लिखने हैं। दूसरा ये कि हेडिंग्स रखनी है, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको तब काम आएंगी जब आपका जो कॉन्सेप्ट होगा उस क्वेश्चन के हवाले से वो क्लियर होगा, ठीक है। आप लोग जैसे जानते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को उस टॉपिक की समझ ही नहीं आई, ठीक है, लेट्स से आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, केमिस्ट्री का कोई टॉपिक था, आपको पता नहीं है कि यार इस पैराग्राफ के अंदर या इस टॉपिक के अंदर क्या लिखा है, हालांकि आपने उसका कीवर्ड भी कोई निकाल लिया है, कोई उसकी हेडिंग भी बना ली है, लेकिन आप इसमें लिखोगे क्या, ठीक है। ये जो मैंने बोला था यहाँ पर कि आप हेडिंग दोगे और आप 4 से 5 लाइनें यहाँ पर लिखोगे, तो बेसिकली आप उसमें लिखने क्या वाले हो, ठीक है, ये आप लोगों को सोचना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो क्लियर करने पड़ेंगे। ऐसे में कॉन्सेप्ट को करने से भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है। पहली चीज ये कि आप लोग अगर कोई भी टॉपिक आपको याद नहीं होता, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम करना है, आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है, उर्दू के अंदर। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं या आप लोगों ने पाक स्टडीज इंग्लिश में रख ली है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करनी है। अगर आपसे खुद ट्रांसलेशन नहीं होती है तो आप किसी बड़े को, किसी टीचर को कहकर उसकी ट्रांसलेशन करवा सकते हो, ठीक है। अब मसला ये आता है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ना इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उसको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में पता होगी तो क्या होगा कि आप लोगों को जब भी आप कोई टॉपिक लिख रहे होगे, आपने हेडिंग दी, अब आप उसके बारे में कुछ लिखना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपको इंग्लिश में तो याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको टॉपिक के बारे में पता होगा उर्दू के अंदर कि यार इस टॉपिक में फलां बात की गई थी, इस फलां बात यहां पर ये बात है, ठीक है, तो आपको लिए आपके लिए आसानी ज्यादा हो जाएगी कि उसको अपने पेपर पर लिखना और उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, यस और नो, ठीक है, लाजमी आप लोगों ने बताना मुझे। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर करना है हर टॉपिक के हवाले से। इसके बाद एक जो हम टॉपिंग की बात करते हैं, थोड़ी सी टॉपिंग अगर आप लोगों ने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर लगानी है उसको ज़्यादा अच्छा और अच्छा करने के लिए, तो वो है आप लोगों के यहाँ पर रेफरेंसेज, ठीक है। अब रेफरेंसेज से क्या मुराद है मेरी, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेफरेंसेज में आप लोगों ने क्या करना होता है, ठीक है, अगर हम साइंसेज के सब्जेक्ट्स की बात करें, अब लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि आपकी कुछ डेट्स आ रही होती हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज आ रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे होते हैं, कुछ डेट्स वगैरह आ रही होती हैं, ठीक है। तो रेफरेंस के अंदर अगर आप लोग क्या करो, जब आप क्वेश्चन को याद कर रहे हो, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट भी ले लिया, आपने उसके कीवर्ड्स भी बना ली, आपने उसकी हेडिंग्स भी आप लोगों ने बना ली, अब है कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एग्जांपल लेकर बताता हूं, ठीक है, हर चीज एग्जांपल के साथ होगी। अगर आप 10th क्लास की फिजिक्स के अंदर जाएं और वहां पर कूलम्स लॉ, ठीक है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा, ठीक है, आप लोगों को मालूम है, अब कूलम्स लॉ के अंदर उसकी डेट लिखी हुई है कि 1787 या 1757 आई थिंक इतनी कोई डेट है, ठीक है। अब वो जो डेट है वो एक रेफरेंस के तौर पर यूज हुई है और वो डेट इंपॉर्टेंट है। अगर हम केमिस्ट्री की तरफ आते हैं, ठीक है, 9th क्लास की अगर केमिस्ट्री की एग्जांपल लेते हैं, तो अब सवाल आता है कि जो हमारे पास नील बोहर था, ठीक है, उसने अपना जो बोहर एटॉमिक मॉडल था वो किस डेट को दिया था, ठीक है, किस ईयर में दिया था, तो उसकी डेट है 1913। तो ये कुछ रेफरेंसेज होते हैं। अब इन रेफरेंसेज को याद करना जरूरी होता है क्योंकि इन रेफरेंसेज के बगैर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है किसी भी सब्जेक्ट का वो अधूरा होता है, ठीक है, आप उसको कभी पूरे नंबर भी नहीं मिलते होते, ठीक है। तो रेफरेंसेज आप लोगों ने साथ साथ याद करने हैं, ठीक है। क्या चीज मैंने याद करने को बोली कि आपने डेफिनेशन जो है वो वर्ड बाय वर्ड याद करनी है, रेफरेंसेज आपने वर्ड टू वर्ड याद करने हैं, ठीक है। बाकी का जो सारा सीन है वहां पर आपने स्मार्ट वर्क करना है और वहां पर आपको हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है। एंड देन आप लोग यहां पर हर चीज को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर आ सकते हो, याद करने में भी आसानी और उसके बाद उसको लिखने के अंदर भी आसानी हो जाएगी। अब एक और एक चीज जो कि बच्चे पूछते हैं कि भैया 5 से 6 पेजेस के लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने में भी तो कितना टाइम लगेगा, उसके लिए क्या करें। अब अगर आप लोग यार देखो, जब आपने एक मरतबा, अगर आप सारा साल, मैंने अगेन बात कर रहा हूं कि अभी मेहनत करो ताकि बाद में आपको उसका आउटकम मिले, बाद में उसका रिजल्ट मिले। तो अगर अभी से आप लोग लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करते हो, ज्यादा आदत डालते हो लिखने की, किसी भी क्वेश्चन को याद करते हो और लिख लेते हो, ठीक है, उससे क्या होगा, आपके हाथ हमेशा मूवमेंट के अंदर रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहोगे जब तक आप लोग, तो आपको लिखने की आदत रहेगी। अगर एक बच्चा है जो कि सारा साल कुछ भी नहीं लिखता है एंड में बोर्ड एग्जाम्स के अंदर लिखने बैठ जाएगा तो क्या होगा, उसको पेन सही तरह पकड़ना भी नहीं आएगा, ठीक है, ये कुछ ज्यादा हो गया, उसको लिखना भी नहीं आएगा, ठीक है, उसको तेज नहीं लिख पाएगा, उसके हाथों में दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपने अभी से ही हर चीज को, जो भी चीज आप याद करते हो, आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन याद किया है, ठीक है, समझा है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको चीजें बताई है आपने इस तरह कर दी है, अब आपको कैसे कंफर्मेशन होगी कि यार मैं इसमें पूरे नंबर ले सकता हूं, जब तक आप उसको लिखोगे नहीं। आपने कॉन्सेप्ट ले लिया, आपने कीवर्ड्स बना लिया, अब उसको इंप्लीमेंट करना भी तो है, तो उस इंप्लीमेंट करने को ही तो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने उसको पेज के ऊपर लिख कर इंप्लीमेंट करना है, टॉपिक बुक से समझो, ठीक है,
जिस तरह मैंने आपको बताया, उसके बाद उसको टेस्ट के तौर पर लिखो, उसके बाद आप मैच भी करो कि मेरी कहां पर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, और जहां पर जो प्रॉब्लम आए उसको पॉइंट आउट करो, और नेक्स्ट वाले जब आप लिख रहे हो तो उसमें उसको आपने रिपीट नहीं करना। इस चीज़ का अपने माइंड में हमेशा गोल बना के रखना कि अगर एक मिस्टेक हो गई है कोई मसला नहीं है। मिस्टेक्स जो होती है ना वो सक्सेसफुल लोगों के लिए एक मिठाई के तौर पर होती है, ठीक है, उनके लिए एक अच्छी चीज़ होती है क्योंकि वो उस मिस्टेक से सीखते हैं और आइंदा उसको कभी करने की कोशिश नहीं करते, एटलीस्ट कोशिश नहीं करते, ठीक है। तो आप लोगों ने भी यही काम करना है, आपके पास अगर कोई मिस्टेक हो गई है कोई मसला नहीं है, अगले वाले पेपर के अंदर कोशिश करनी है कि वो मिस्टेक दोबारा मत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपके लॉन्ग क्वेश्चन से हर एक रिलेटेड डाउट खत्म हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो आपका भाई आपके लिए हाजिर है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि मैं उस चीज़ को भी कवर करूंगा। ये सारी वीडियो जो होती है ना यार, ये मैं आप लोगों के जो कमेंट आप करते हो, जो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, कोई प्रॉब्लम बताते हो मुझे, इंस्टाग्राम पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके हवाले से पूरी पूरी वीडियोज़ बनाता हूँ, ताकि आप एक बच्चा सवाल पूछता है ना तो उससे कितने ज़्यादा सैकड़ों बच्चों की हेल्प हो जाती है। तो आप लोगों का भी कोई भी डाउट है वो सिर्फ आपका डाउट नहीं, आपके साथ रहने वाले लाखों बच्चों का डाउट हो सकता है, तो आप लोग मुझे लाजमी से अपनी प्रॉब्लम बताया करो ताकि मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं और ज्यादा सारे बच्चे इससे फायदा उठा सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अगर वीडियो से एक जरा इतनी सी भी अगर आपको हेल्प मिली है, ठीक है, फायदा पहुंचा है, इस वीडियो का वैल्यू मिली है, तो इस वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा, साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस आती है ना उसमें से एक वीडियो भी आपके लिए टाइम वेस्टिंग के तौर पर नहीं होगी। आपको ये नहीं होगा कि आप पछताओगे कि यार मैंने क्यों बेल आइकन को ऑल पर क्लिक किया, सारी नोटिफिकेशन फिजूल आती है, ऐसा हरगिज नहीं होगा, ठीक है। जो भी चीज आएगी आपके 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगी, आपके अपने स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इजाजत है फिजान तनवीर को, अगर आपको अच्छा लगा है तो दुआएं लाजमी से कीजिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।